नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस खास कार्यक्रम शुभ राशि में। मैं हूं आपके साथ आचार्य दीपा शर्मा और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज है तारीख 4 जुलाई सोमवार। जल्दी से बात कर लेते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहले मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को आज कोई बड़ी डील हो सकती है, किसी की बात आज दिल पर भी लग सकती है। साथ ही आज आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक समस्या का आज समाधान होगा। सेहत आज आपका साथ नहीं देगी तो खान पान पर ध्यान रखें, और साथ ही कहीं घूमने जा सकते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। मिथुन राशि वालों आज निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन। परिवार में वाद विवाद बढ़ सकता है तो आप सभी सदस्यों को समझा कर रखना आपके लिए जरूरी होगा, और पार्टनर को थोड़ा समय आज जरूर दें। कर्क राशि वालों व्यापारी काम से आज थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। संतान पर गर्व महसूस होगा आज के दिन। लाइफ पार्टनर के साथ भी आज घूमने का दिन अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष आज काफी मजबूत होगा। योगा करने से आज आपका तनाव कम होगा, योग करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही विदेश जाकर बसने का समय आ गया, अगर प्लानिंग कर रहे थे तो आज बहुत अच्छा दिन है। कन्या राशि वालों के लिए नई नौकरी मिल सकती है आज आपको। दिन भर व्यस्त रहेंगे, करियर को लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। साथ ही तुला राशि वालों के लिए दिन भर आज आलस से भरा रहेगा, कोई जरूरी काम भी उसके चलते आप टाल सकते हैं आज के दिन। छात्रों के लिए दिन काफी अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा आज के दिन। नौकरी में ट्रांसफर का योग भी बन रहा है, स्थान परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्या आज के दिन हो सकती है तो थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास करें। धनु राशि वालों के लिए पैसे की परेशानी हो सकती है आज के दिन, सेहत पर भी थोड़ा ध्यान देना है। कोई नया काम आज के दिन आपको मिल सकता है। मकर राशि वालों खर्चों पर कंट्रोल करना है आज के दिन। छात्रों को नए अवसर अपॉर्चुनिटीज आज के दिन मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन काफी अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए आज इन्वेस्टमेंट के लिए समय काफी अच्छा है, आप निवेश कर सकते हैं, लोगों के साथ घूमने जा सकते हैं, दोस्तों के साथ, साथ ही लंबी यात्रा के योग भी आज के दिन बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। कोई नया काम शुरू करना चाहते थे अब कर सकते हैं। बाहर के खाने से आज बिल्कुल दूर रहना है, और साथ ही मन को खुश और प्रसन्न रखना है, जो कि हमेशा बहुत ही जरूरी होता है। मन को खुश और प्रसन्न रखना, तभी आपके आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नए राशिफल के साथ। जय माता की।